अरे मिला बोलते थे बाबूजी बाबूजी मैंने क्या बात है, बोल दो रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा, बोल चाय पीऊंगा। मैंने कहा कम मखत चाय दो रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम वापे ऐसे ही पैसा मांगे। मैंने कहा भाई साहब मेरी हैसियत ऐसी है, सवरत जी मेरे पास बैठे थे, मैं तुरंत सवरत जी की तरफ हाथ कर दिया। मैंने भाई साहब इनसे ले ले। भिखारी ने सवरत जी को ऊपर देखा नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है, बोले खुदाई भिखारी सो लग रहा है हमको। भाई साहब जब मैं ठीक आपके मथुरा में आया तो मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, पर एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मुझसे बोला बोल अंकल अंकल। मैंने कहा बेटा क्या बात है, बोल पीछे से दो आंटी आवाज लगा रही है। भाई साहब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सचमुच दो औरतें मेरे पीछे दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया और आकर मेरे से बोली बोल बाबा तेरा फोटो दे जा। मैंने कहा आप फोटो ले जाकर क्या करेंगी, बोल रात को हमारे बच्चे रोते हैं उन बच्चों को बताएंगे। बोल बेटा रो मत ने हुआ ठीक। और आपके जो मसानी रोड पर आया तो मुझे एक डॉक्टर ने देखा और बोले बोल भाई बाबा कहाँ जा रहे हो। मैंने कही मैं सम्मेलन में कविता पढ़ने जा रहा हूँ। बोला आप कवि हैं, मैंने कहा हाँ। बोला आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ मेरी मान, आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैंने कहा डॉक्टर साहब जब खून ही नहीं है चेक कहाँ कराऊँ। अरे अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा। मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूँ, जब हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया और जिस दिन से घरवाली घर में आई उस दिन से लो ही लो चल रहा है। फिर भी मैंने डॉक्टर साहब की सरंज को तोड़ा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल देते हैं। भाई साहब माफ़ करना, कोई डॉक्टर हो तो मैं आपकी रचना नहीं, मैं राजस्थान के डॉक्टरों की एक चालान पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाहिना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। क्या एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, क्या बात है, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी, तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा हो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला बोल डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते हो नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे। मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं, तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं, क्या मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं। और